हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप टाइपिंग करना कैसे सीख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से टाइपिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं आप सभी को एक तरीके के बारे में बताने वाला हूँ और ये जो तरीका है बहुत ही कारगर तरीका है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से टाइपिंग सीखेंगे तो आप 15 या 10 दिन में जो है टाइपिंग करना सीख जाएंगे। अगर आप डेली 2 घंटे वक्त देंगे, मतलब 2 घंटा टाइपिंग करेंगे, 2 घंटे समय देंगे इस तरीके के ऊपर, तो आप जो है 10 से 15 दिन में टाइपिंग करना सीख सकते हैं। ये मेरा जो है चैलेंज है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सीख सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा तरीका जो है आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक, तो अगर आपको टाइपिंग सीखना है तो केवल एक ही तरीका है, ठीक ना। ये तरीका अगर आप आजमाएंगे तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप जो है सीख ही जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का नाम है टाइपिंग मास्टर, ठीक ना। तो चलिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जो है गूगल में लिख देते हैं टाइपिंग मास्टर। लिखने के बाद जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये वेबसाइट मिल जाएगी, typingmaster.com। यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10 का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र बंद कर देता हूँ, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद थोड़ी सा इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्री, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने में थोड़ी सा वक्त लेगा। तो चलिए जो है हम थोड़ी सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर के मदद से जो है आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो है मैं इसी सॉफ्टवेयर के मदद से जो है टाइपिंग सीख चुका हूं और मैं जो है बिना कीबोर्ड में देखे टाइपिंग करता हूं। ठीक, यहां पे कीबोर्ड में देखकर मैं टाइपिंग नहीं करता, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। मेरे को पता रहता है कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है, ठीक है। मेरे को पूरा जो है दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, सीखते सीखते जो है पता चल जाता है कि भैया जो है कहाँ पर है, ठीक है ना। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं यहाँ पे नया नाम लिख देता हूँ, पवन और 1 2, ठीक है। यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है आप सभी को 12 लेसन मिलेंगे। पहले EIRUTQ ऐसे करके जो सभी अक्षरों के बारे में धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पहला लेसन जो है, चलिए जो हम स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया है कि अपनी उंगलियों को कहाँ कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो चलिए जो मैं ये बात आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ, ये सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों। ज़रूरी बात यह है कि आपकी उंगलियां जो है ना यहाँ पे होनी चाहिए, ये वाली ए पे रहेगी, ये वाली एस पे, ये वाली डी पे, ये वाली एफ पे, ठीक। और ये वाली जे पे रहेगी, ये वाली के पे, ये वाली एल पे और ये वाली यहाँ पे, ठीक है ऐसे। और ये दोनों उंगलियां जो रहती हैं ये स्पेस के लिए रहती हैं, मतलब कि केवल आपको ये बड़ी वाली बटन को दबाने के लिए ये दोनों अंगूठों का मतलब इस्तेमाल करना रहता है, ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जो है ना इन उंगलियों को हटाना नहीं है। कभी भी ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए ना तो भी जो आपको लाकर इसको यहीं पे रखना है। टाइपिंग करने में थोड़ी सा उंगलियां कपती हैं, थोड़ी सा हिलेंगी, उंगलियों में दर्द होगा, सीखने में थोड़ी सीखने में जो दर्द होगा, समय लगेगा, लेकिन आपको ध्यान लगाए रखना है, अपना मन लगाए रखना है, आपको टाइपिंग सीखते रहना है, ठीक नहीं, मतलब छोड़ मत दीजिएगा। आपको 15 दिन कम से कम जो है 12 दिन जो है आप इसमें वक्त देना और रोज़ाना 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, ठीक। आपको मतलब कि छोड़ना नहीं है, आपको पकड़े रखना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि इसी से जो है आपको जे को भी दबाना है, ये वाली उंगली को,
चलिए जो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को, जैसे कि इस उंगली से जो है आपको जे को भी दबाना है और यू को भी दबाना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। एम को भी दबाना है, एन को भी दबाना है, ये तो दबाना पड़ता है। जब आएगा एम वाला आएगा, फिर एन वाला आएगा, फिर वी वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर टी वाई यू वाई टी का, फिर आर का, ई का, तो इसमें बताता जाएगा कि ये वाली उंगली से जो है आपको एल को भी दबाना है और ओ को भी दबाना है, ठीक है। यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे जो है आपको एल को भी दबाना रहता है और ओ को भी दबाना रहता है, ठीक। इससे जो है के को भी दबाना रहता है, आई को भी दबाना रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बताते चला जाएगा आपको, जो ये प्रैक्टिस कराते चला जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ओके। अब जो है 1.2 मतलब 1.2 का लेसन जो है हम खोल लेते हैं। यहाँ पे बताया है वही चीज़ जो मैंने अभी आप सभी को बताया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि इस फिंगर पे जो है ए को रखना है, इसको यस पे, इसको डी पे, इसको एफ पे, वही चीज़ जो है बता रहा है। चलिए जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, और स्पेस दबाने के लिए ये वाले अंगूठे का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे स्पेस दबा कर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जो है हम इंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बोल रहा है ए दबाइए, तो चलिए जो है हम यहाँ पे उंगली रख के ए दबा देते हैं, फिर यस दबाने को बोल रहा है, फिर डी दबाने को बोल रहा है, चलिए जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर जो है बोल रहा है एफ़ दबाइए, एफ हमने दबा दिया, जे एल एल, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद स्पेस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए लिखा है, तो हमको जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ए बना हुआ है, तो इसको जो है हमको ए दबा देना है, ठीक, ए दबा देना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अब जो स्पेस बोल रहा है दबाने को, स्पेस दबा देते हैं, ठीक, यस यस स्पेस, डी डी स्पेस, एफ एफ स्पेस, ऐसे जो है टाइप करते जाना। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आप सभी को, जे जे स्पेस, के स्पेस, एल एल स्पेस, और ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ए एस स्पेस, डी एफ स्पेस, ए एस स्पेस, डी एफ स्पेस, तो ऐसे जो है आपको टाइप करते रहना। और यहाँ पे बताएगा कि कौन सी उंगली से जो है आपको जे को दबाना है, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है जे दबाना है, ठीक। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि अब जो है ये वाली फिंगर से, मिडिल फिंगर से के दबाना है, फिर स्पेस दबाना है, यहाँ बता रहा है। यहाँ पे जो है आप सभी को देखते रहना है, आपको नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। आपको नीचे नहीं देखना, केवल ऊपर देखते रहना, और अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे बताएगा कि कौन सी उंगली से क्या दबाना है। गलत दब रही हो तो इसका मतलब कि आपकी जो है ये उंगलियाँ जो है हट चुकी हैं, तो इसको फिर से वहीं पे लाना है। अगर ना हो पाए तो फिर जो वहीं पे लाना है, फिर से वही टाइप करते रहना है, ठीक। मतलब आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, मतलब आपको करना ही करना है, ये सोच के जो है आप रोज़ाना 2 घंटे इसमें वक्त दीजिएगा, और ऐसे जो है आपको टाइप करते जाना है, ठीक ना। जे के स्पेस, एल स्पेस, फिर ए एस डी एफ स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस, सॉरी जे के एल स्पेस, ऐसे जो है आपको टाइप करते रहना है। और यहाँ पे जो है आपको फिंगर दिखाते रहेगा कि कौन से फिंगर को क्या करना है। तो एक बार जब आप इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको बनने लगेगा, ठीक है। और जब आप इसमें रोज़ाना 2 घंटे और 10 दिन 15 दिन के बाद जब सीख जाएंगे तो आप एक बार ज़रूर मेरे इस वीडियो में आकर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि हाँ भाई जो है मैंने इस वीडियो की मदद से या इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने जो है टाइपिंग सीख ली है। तो दोस्तों ये जो है बेहतर और कारगर तरीका है, इसी तरीके से जो है आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मास्टर साहब आएंगे और सिखाएंगे या कोई बताएगा तब हम सीख पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके, इस्तेमाल करके, यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप जो टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही आसान चीज़ है। आपको थोड़ी देर, कुछ समय जो है बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप सीखना चालू कर देंगे, जब ए एस डी एफ के बाद जो है ई डब्ल्यू ई आर टी, ये सभी अक्षरों को टाइप करने लगेंगे, बिना देखे जो टाइप करेंगे ना, तो अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि हाँ भाई हम सीख सकते हैं, और उस समय जो है आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना था, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी होगी। और दोस्तों अगर आप टाइपिंग करना सीख जाएं तो एक बार जो है इस वीडियो में आकर कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें।